और एमएस धोनी होंगे टीम इंडिया के अगले कोच। बता दें पूर्व कप्तान ने दिया है सुझाव, राहुल द्रविड़ की होगी इस बार छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान खिलाड़ी सलमान बट ने भारतीय टीम के कोचिंग को लेकर एक बड़ा सुझाव दिया। सलमान का मानना है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया को कोच नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान कोचिंग को लेकर बीबीएस लक्षण, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी पर अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान कोच के तौर पर उनकी पहली पसंद धोनी रहे। वही सलमान बट ने यह कहा कि मुझे कोचिंग के बारे में बहुत अधिक तो नॉलेज नहीं है, वही बीबीएस लक्ष्मण एक शानदार खिलाड़ी है, सहवाग भी बढ़िया खेलते हैं, लेकिन कोचिंग के लिहाज में धोनी को चुनना चाहूंगा जो टीम के लिए बाकियों से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम टेक्टिकल सुपीरियर के लीडरशिप की बात करें तो कोचिंग भी एक लीडरशिप ही होता है। वही आपको बता दें कि मेंटरशिप भी होती है, जो जितना सफल मैंने धोनी को देखा तो टीम इंडिया के लिए मेरी पहली पसंद तो महेंद्र सिंह धोनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा सलमान ने सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर भी अपनी राय रखी। एक सवाल के जवाब में क्या सूर्य कुमार ने ओपनिंग कराई जानी चाहिए, उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी परिस्थिति में वो पावर प्ले की तरह ही खेलते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि उनकी बल्लेबाजी की पोजीशन क्या होनी चाहिए ये उनकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। टीम को उनकी जरूरत कहा है, वही कप्तान रोहित शर्मा को लेकर सलमान ने ये कहा कि रोहित T20 विश्व कप में पूरी तरह से फिट नजर नहीं आए, वो एक विश्व कप तौर पर खिलाड़ी है, उन्होंने कई बार ऐसी पारियां खेली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इस बार T20 विश्व कप में वो सफल नहीं साबित हुए। बता दें कि T20 विश्व कप में विफलता के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और यहां टीम को 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा समेत विराट कोहली और KL राहुल को आराम दिया गया है। वही T20 में हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि वनडे में शिखर धवन कमान संभाल रहे हैं।